उप मुख्यमंत्री पहुंचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जहां सफल बाईपास सर्जरी पर डॉक्टरों को उन्होंने बधाई दी। बता दें कि विश्व हृदय दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा पहुंचकर आयुष्मान योजना के तहत 3 मरीजों की सफल बाईपास सर्जरी होने पर चिकित्सकों एवं उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने मरीज का हाल भी जाना। उप मुख्यमंत्री ने इस सफलता के उपलक्ष्य में केक काटकर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश सोनी एवं उनकी टीम का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर डीएमई डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव, डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक राहुल मिश्र एवं अक्षय श्रीवास्तव उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा के 400 बेड में विस्तार के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। आज विश्व हृदय दिवस है और 2 दिन पहले ही रीवा सुपर स्पेशलिटी में 3 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जो बहुत जटिल मानी जाती है और विंध्य के लोगों के लिए एक सपना था कि रीवा में कोई ऐसा अस्पताल बने जहाँ पे बाईपास सर्जरी हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो और गंभीर बीमारी जिसके लिए बाहर लोगों को जाना पड़ता था। तो पिछले दिनों 3 बाईपास सर्जरी हुई है और तीनों मरीजों से मैंने मुलाकात की है। वो तीनों के तीनों महिलाएँ थीं और आयुष्मान कार्डधारी थी। मुफ्त में उनका इलाज हुआ। मैंने जब उनसे मुलाकात की तो उनके चेहरे में खुशी के भाव मैंने देखे। तो मैं डॉक्टर राकेश सोनी, जो हमारे CTVS सर्जन हैं, और उनकी पूरी टीम एनेस्थीसिया के डॉक्टर राजू से लेके और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सभी को मैंने आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर बधाई दी। उसके साथ ही जो कार्डियोलॉजी से जुड़े हुए हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर VD त्रिपाठी, डॉक्टर SK त्रिपाठी, वो भी एंजियोप्लास्टी करते हैं और एंजियोग्राफी होती है। पूरे प्रशासन के साथ डीन हमारे जो इस स्वसाची बोर्ड के चेयरमैन हैं, हमारे DME भोपाल से आए हुए हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, डीन सभी के साथ मैंने हृदय से जुड़े हुए जितने भी हमारे सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनको विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मैंने बधाई दी और शुभकामनाएं दी कि इसी प्रकार से काम करते रहें और रीवा एक दिन मेडिकल हब बने, लोग बाहर से यहाँ पर इलाज कराने आए, यहाँ के लोगों को बाहर इलाज कराने न जाना पड़े, ऐसी स्थिति निर्मित हो, ऐसी मैंने शुभकामनाएं दी।